जय श्री महाकाल दोस्तों, कहा गया है ना, हर पिक्चर का एक किंग होता है और हर किंग की एक कहानी। कुछ ऐसा ही कहानी था दुर्लभ कश्यप का। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इस बंदे के मन में सिर्फ एक ही चीज था कि डॉन बनना है, उज्जैन का किंग बनना है। दोस्तों जब ये 16 साल का हुआ तभी से इसने उज्जैन में अपना गैंग बना लिया और अपने गैंग के माध्यम से ये इतना बड़ा बड़ा इतिहास रचना शुरू कर दिया कि आज भी उज्जैन के लोग दुर्लभ कश्यप को जरूर जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप को सिर्फ उज्जैन के ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर आप कहीं भी जाकर के दुर्लभ कश्यप के बारे में पता करो, आपको पता चल जाएगा कि दुर्लभ कश्यप क्या चीज था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बंदा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गैंग चलाता था। बहुत सारे लड़कों ने मुझे कमेंट में कहा कि भाई तुम इसे बंदा मत बोलो, तुम इसे भाई बोलो। तो चलो ठीक है, तो आपको बता दूं कि दुर्लभ भाई जो कि कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और इसका सिर्फ एक ही सपना था, जब तक जीऊंगा बादशाहों की तरह जीऊंगा, कभी भी किसी के नीचे झुक करके नहीं जीऊंगा और जो भी करूंगा अपने मर्जी से करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के जितने भी दोस्त थे वो कभी भी दुर्लभ कश्यप को अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि जब दुर्लभ कश्यप रात को चाय पीने के लिए चाय वाले की दुकान पर गया तो उस दिन उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दोस्त छोड़कर भाग गए, जो कि बहुत ही गलत चीज है। कोई भी इंसान दोस्ती इसलिए करता है ताकि उसके जिंदगी के सबसे कठिन समय में वो दोस्त उसका साथ दे, लेकिन दुर्लभ कश्यप के दोस्तों ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप को उस रात मार दिया गया और बहुत ही दुखद घटना था उस दिन उसके माँ के लिए, उसके पिताजी के लिए या फिर उसके चाहने वालों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल।